हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो दोस्तों, रिक्रूटमेंट का क्या जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किस किस पोस्टर्स के लिए रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिक्रूटमेंट जो है 10th से लेकर मास्टर डिग्री तक रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्टर्स की, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक पोस्टर्स अवेलेबल है जो कि फीमेल्स के लिए। यहाँ पे जो है 40,000 रुपये जो पर मंथली सैलरी रहने वाली है। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? डिग्री इन लॉ होनी चाहिए या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में। अगर हम करें बात एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 40 के अंदर आपकी जो है एज होनी चाहिए। अगर हम दूसरी पोस्टर्स की बात करें, यहाँ पे मांगे केस वर्कर। केस वर्कर में जो है फीमेल्स के लिए सिर्फ, इसमें भी 2 पोस्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे है 14,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क के लिए। इसमें भी जो एज लिमिट जो है 18 से 40 के अंदर होनी चाहिए। अगर हम तीसरी पोस्ट की बात करें, यहाँ पे है काउंसलर फीमेल के लिए। तो यहाँ पे 1 पोस्टर्स रहने वाली है। यहाँ पे जो सैलरी आपकी वो 22,000 रुपये रहने वाली है। जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो मास्टर डिग्री रहने वाली है सोशल वर्क के अंदर। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें 18 से 40 के अंदर। जो 4th पोस्ट है हमारे पास वो है पैरालीगल पर्सनल लॉयर की। तो यहाँ पे 1 पोस्टर्स रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सैलरी कितनी रहने वाली है, 13,000 रुपये सैलरी रहने वाली है पर मंथली। डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन लॉ में, तो मास्टर इन सोशल सब्जेक्ट में होनी चाहिए। 18 से 40 आपकी जो है एज रहने वाली है। अगर हम बात करें पैरामेडिकल पर्सनल की, तो यहाँ पे आपके पास 2 पोस्टर्स रहने वाली हैं और इसमें सैलरी जो है पर मंथली आपकी वो रहने वाली है 10,000 रुपये। तो इसमें आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए? प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए इन पैरामेडिक्स विद ए बैकग्राउंड इन हेल्थ राइट एंड। तो दोस्तों, एज लिमिट इसके लिए भी 18 से 40 रखी गई है। अगर हम 6th पोस्ट की बात करें, यहाँ पे IT स्टाफ की पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे एक ही पोस्ट आपके पास रहने वाली है। 10,000 रुपये जो है पर मंथली सैलरी है आपकी। आप जो है IT स्टाफ के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके साथ आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए आपको एज लिमिट क्या दी गई है? एज लिमिट 18 से 40, और साथ में इनके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 3 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर हम 7th पोस्ट की बात करें, यहाँ पे जो पोस्टर्स है यह है मल्टीपर्पज़ हेल्पर के लिए। यहाँ पे 2 पोस्टर्स रहने वाली हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो सैलरी है क्या है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सैलरी है गाइज। तो इसके पास आपके पास क्वालिफिकेशन है 10th पास, मेट्रिकुलेशन। आपके पास 18 से 40 के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए मल्टीपर्पज़ हेल्पर का। तो दोस्तों, 8th जो पोस्ट हमारे पास वो है सिक्योरिटी गार्ड की। यहाँ पे 2 पोस्टर्स अवेलेबल हैं। 2 पोस्ट सैलरी क्या रहने वाली है? 10,000 रुपये। उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए 10th। तो इसकी हम अगर हम बात करें, वो है 18 से 40 के बीच में। तो दोस्तों, बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस रिक्रूटमेंट का, तो वो बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे आपकी जो है सिलेक्शन जो है होगी ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो इसके लिए आपको वाइवा वाइस में 20 पॉइंट्स मिलने वाले। कोई एग्जाम इसके लिए नहीं होगा, ये आपकी मेरिट के हिसाब से होगा। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इंटरव्यू इंटीमेटेड थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड बिफोर कैंडिडेट्स मे बी कॉल टू ब्रिंग ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स फॉर वेरिफिकेशन एंड चेकिंग बिफोर द इंटरव्यू कमेटी। इंटरव्यू कमेटी से पहले आपकी जो है चेकिंग होगी पूरे डॉक्यूमेंट्स की, फिर उसको आपको बुलाया जाएगा। एनी मिस रिप्रेजेंटेशन इन द एप्लीकेशन फ्रॉम द डिस्टर्बिंग शॉर्ट लिस्टिंग मे बी इन्वाइट लीगल एक्शन। अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है इन द एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए भी एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। नो इंडिविजुअल इंटरव्यू कॉल लेटर्स शैल बी इशूड, नो TA शैल बी पेड। तो दोस्तों, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके लिए उसमें आपको ना कोई TA देंगे ना कोई DA देंगे। तो दोस्तों, बात करें TA और DA क्या होता है, ये होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरेंस अलाउंस। तो अगर हम बात करें टर्म्स एंड कंडीशन की, टर्म्स एंड कंडीशन हमें बता रही है दोस्तों, एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो दोस्तों, अगर आप इस पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये पोस्टर जो है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस किश्तवाड़ के लिए निकाली गई है, और आपको इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रेजिडेंट होना जरूरी है और जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना जरूरी है। एप्लीकेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ मीटिंग देयर अदर रिक्वायरमेंट एंड आर इनक्वायर्ड टू अप्लाई शैल बी प्रेफर्ड। एप्लीकेशन शुड भी मेडिकली फिट फॉर फील्ड विजिट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो हाँ, इसके लिए ये एक जरूरी पॉइंट्स है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने बताया गया है जो एप्लीकेंट्स है, जो अप्लाई करने वाला स्टूडेंट्स है, उसके लिए जो मेडिकल फिट होना जरूरी है, क्योंकि वो डिफरेंट ब्लॉक्स करनी है विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में नहीं, जो हम उस डिस्ट्रिक्ट के जो विलेज है वहाँ पर उनको विजिट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5th पॉइंट, यहाँ पर हमें बोल रहा है देयर शैल बी नो राइट टू सीक परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन एनी डिपार्टमेंट और रेगुलेशन ऑफ एनी शॉर्ट एग्रीमेंट फॉर द सेम स्वर्न बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड अपॉन सिलेक्शन बिफोर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कहोगी कि मुझे रेगुलराइजेशन कर दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी बेसिस
पोस्टर्स निकाली गई हैं। कैंडिडेट्स मस्ट पोस्टेस इन द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द फॉर्म। एनी क्लेम रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन मेड आफ्टर द क्लोजिंग डेट रिसीव्स एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म शेल नॉट बी इंटरटेनिड। तो कैंडिडेट जो है उसकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म, जो उसके पास जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एट द टाइम ऑफ जो वो अप्लाई करेगा उसी टाइम उसको हर चीज़ सबमिट करनी होगी। अगर वो बाद में वो क्लेम करता है कोई उसका वो भी नहीं माना जाएगा आफ्टर क्लोजिंग डेट। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी। कैंडिडेट्स मस्ट हैव गुड मॉरल कैरेक्टर। कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एनी टाइम डिक्री ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस एंड द सिलेक्शन कमेटी हैज़ राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन ऑफ द रिलेवेंट। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसके लिए जो है कब इसकी लास्ट डेट है और कब से ये फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़, इन्होंने ये पोस्टेस निकाली हैं। न्यू डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स मिनी सेक्रेट किश्तवाड़, एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ वन स्टेप सेंटर फॉर वुमेन किश्तवाड़। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे जो है ये जो पोस्टेस निकाली गई हैं वुमेन किश्तवाड़ के लिए ये पोस्टेस निकाली गई हैं। ओपनिंग डेट है यहाँ से 9/3/2022 से ये स्टार्ट हुए थे फॉर्म लगना और क्लोजिंग जो डेट रखी हुई है इसकी 15/3/2022 को रखी हुई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके लिए आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों मैं ये काम करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना और इसको फॉर्म को फिलअप करके आप वहाँ के अप्लाई कर लेना गाइस। तो ये आपके पास फॉर्म रहेगा एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फॉर दी फॉर वन स्टाफ सेंटर। तो यहाँ पे ये आपको फॉर्म फिल करके यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन दे के तो दोस्तों आपको फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो समझ आ गई। अगर वीडियो इसी तरह की अगर आपको और भी वीडियो चाहिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।